छपरास अनुमंडल के लखा में हुए डकैती तथा बम विस्फोट में घायल महिला और बच्ची के अपराधियों गिरोह का उद्भेदन छपरास डीएसपी उमेश्वर चौधरी के नेतृत्व में मदन प्रसाद रंजीत कुमार थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी टीम के साथ नेपाल के कई जिलों में सघन छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान गिरोह का सरगना मुन्नू एवं दो उसके और सहयोगी के फरार होने की भी सूचना प्राप्त हुई। वहीं इधर गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए जेवरात एवं मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। उसका उद्भेदन कर लिया गया है। इसके उद्भेदन में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा नेपाल बॉर्डर समेत लौकी एवं लौखा में छापेमारी कर 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पहले 2 की गिरफ्तारी हुई जिनकी कन्फेशन के आधार पर, अन्य लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई है और चोरी की गई मोबाइल सिम समेत कुछ आभूषण भी बरामद किया गया है। इन्होंने अपना घटना में संलिप्तता भी स्वीकार किया है। कुछ डकैत अभी भी फरार हैं जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। इस तरह से घटना का पता चल हो गया है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कुशेश्वर स्थान प्रखंड क्षेत्र के भिंडुआ पंचायत के पकड़िया गांव से प्रखंड प्रमुख बीजल पासवान एवं सीओ ओम प्रकाश गुप्ता के द्वारा पोलियो की दवा बच्चों को पिलाकर शुभारंभ किया गया। बाबा कुशेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कुशेश्वर स्थान उच्च विद्यालय क्रिकेट मैदान में चीकू 11 बनाम चौधरी के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें चौधरी 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 78 रन बनाकर सिमट गया। तो वहीं जवाब में चीकू 11 ने 15.4 ओवर में 8 विकेट खोकर मैच 2 विकेट से जीत लिया। इस खेल में मैन ऑफ द मैच की खिताब मैच के अध्यक्ष रामोतार पासवान ने विजेता टीम के प्रिंस कुमार को दिया और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उप विजेता टीम बब्बू चौधरी को मिला। सोमवार को रसोईया संघ के द्वारा जेल भरो अभियान के तहत लहड़ी साइड टावर पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जो महिला थाना तक गया। वहीं दूसरी तरफ रसोईया संघ के द्वारा बताया गया कि हमारी मानदेय 18,000 रुपए होना चाहिए। पूरे देश भर में 10 एकतू के नेतृत्व में पूरे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के जरिए जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित है। इसी के तहत दरभंगा में एकतू के नेतृत्व में रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, ममता सारे लोगों का जेल भरो कार्यक्रम आयोजित है कि आज बिहार और केंद्र सरकार जो न्यूनतम वेतनमान स्कीम वर्करों को नहीं दे रही है, तो न्यूनतम वेतनमान 18,000 दे और इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। इस मांग के साथ आज हम लोग जेल भरो अभियान ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और जब तक यह सरकार नहीं देगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और बजट में अगर इसका प्रावधान नहीं किया जाता तो हम 2 फरवरी को। सोमवार को आशा और ममता कार्यकर्ताओं के द्वारा दरभंगा जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के समक्ष लहड़ी स्ट्राइक समरणालय के गेट पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। हम लोग का यही मानदेय के लिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का मानदेय पूरी करे सरकार, जो काम है हम लोग करेंगे, सरकारी दर्जा हम लोग का सरकार दे। हम लोग पोलियो के स्टाफ 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, आशा महोदय 24 घंटा हड़ताल कर रहे हैं अपने वेतन के लिए। हम लोग आशा का हड़ताल कर रहे हैं अपना वेतन के लिए। हम लोग का 18,000 वेतन देना चाहिए, हम लोग का कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं हम लोग पोलियो करेंगे, नहीं हम लोग टीकाकरण करेंगे, नहीं प्रसव करेंगे। हम लोग का सरकार नहीं देंगे तो हम लोग को हटा दे, हम लोग से काम नहीं ले, ठीका पर बहाली नहीं करे। हम लोग काम करते हैं, हम लोग को मानदेय नहीं देता। हम लोग का बच्चा पूछता है माँ क्या कर रहे। स्थान मंडल के सभी 14 शक्ति केंद्रों के सभी 96 बूथों पर शक्ति केंद्र प्रमुख एवं बूथ अध्यक्षों की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संस्करण को ध्यान पूर्वक सुना गया। केवटी प्रखंड के सीएससी केवटी रनवे के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कसीम अहमद फैजी ने 28 जनवरी को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छतबन में राजेश कुमार के 3 माह की पुत्री पिंकी कुमारी को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाकर 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। केवटी वीडियो मोहम्मद तौकीर हाशमी तथा सीओ संतोष कुमार सुमन के द्वारा सीएससी केवटी में कार्यरत 5 एएनएम को स्वास्थ्य सेवा तथा टीकाकरण में अच्छे कार्यों के लिए सर्टिफिकेट एवं दैनिक जीवन उपयोग हेतु सामग्री उपहार देकर पुरस्कृत किया गया।
चोटी प्रखंड के डलवा गांव में रोशन कुमार की अध्यक्षता में कई मुद्दों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 5 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। चोटी प्रखंड के पैगंबरपुर गांव स्थित कबीर कुटी आश्रम में संत सीताराम दास की ओर से आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महायज्ञ सह संत महासम्मेलन के समापन समारोह में संत रामजी दास ने कहा कि जब तक हम धर्म का सही ज्ञान प्राप्त कर पारथी नहीं बन जाते तब तक भक्ति का सुंदर फल प्राप्त नहीं कर सकते। घनश्यामपुर प्रखंड के ऐतिहासिक पाली रन पट्टी मैदान पर मून स्टार द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल मैच में WEC पोखराम ने SMCC गर्नौस को 6 विकेट से रन कर कप पर कब्जा जमाया। जहां टॉस जीतकर पहले खेलते हुए गर्नौस टीम ने 18.4 ओवर में 92 रन बनाया, जवाब में पोखराम की टीम ने 15 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर कप पर कब्जा जमाया। वहीं मैन ऑफ द मैच विजेता टीम के नजारे तथा मैन ऑफ द सीरीज बेलाल को दिया गया। विनोद मिश्र की अध्यक्षता में हुई कप वितरण समारोह में विजेता टीम के कप्तान को मुख्य अतिथि विधान पार्षद सुनील सिंह ने कप प्रदान किया, तो वहीं उप विजेता टीम को जदयू प्रदेश महासचिव जियाउर रहमान तारा द्वारा पुरस्कार दिया गया। मधुबनी जिले के प्लस 2 लखी हाई स्कूल मैदान में 28 जनवरी को 2020 क्रिकेट मैच का उद्घाटन जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद मेराज आलम के द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। दरभंगा के महाराजगंज में 28 जनवरी की देर रात एक रिक्शा चालक मोहम्मद अनवर के घर में अचानक आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। राजपूत महासंघ का अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर लहरेस राय के बलभद्रपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत से लेकर प्रखंड एवं जिला स्तर तक क्षत्रिय संघ के बैनर तले गरीब राजपूत एवं निसहाय लोगों का सहायता किए जाने को लेकर निर्णय लिया गया। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा DMCS के मैदान में रुद्र टोयोटा रोटरी मेला का आयोजन किया गया। इस मेला का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने की। मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, रोटरी DJ विवेक कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। DJ विवेक कुमार जी आए, इसलिए हम चाहेंगे आप लोग जोरदार इनका स्वागत कीजिए ताली बजा करके। इनका कल भी इनका प्रोग्राम है, आज शाम में भी इनका फ्लाइट है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद विवेक सर ने माना कि ठीक है मैं यहाँ आऊंगा, क्योंकि 102 क्लब के लिए सर्वे सर्वा है, तो इनको सभी क्लबों को देखना पड़ता है, और उस व्यस्तता में से इन्होंने समय निकाल करके यहाँ पर आए, इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रोटरी मेला हम लोग क्यों कर रहे हैं? रोटरी मेला का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोटरी का ब्रांडिंग और रोटरी फंड जनरेशन। रोटरी इमेज बिल्डिंग, तो हम लोग रोटरी के लिए के माध्यम से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये मेला आज आप सबों के बीच पहला आत्मा कर्मचारियों की प्रमंडल स्तर बैठक लहरिया से धरना स्थल पर आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमंडल अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह को प्रमंडल अध्यक्ष चुना गया। वही इस बैठक में प्रधानमंत्री योजना के तहत किसानों की आय दुगुनी करने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सोमवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में इंदिरा आवास योजना सरकार के साथ निश्चय के अंतर्गत हर घर शौचालय, हर घर नल का जल एवं घर तक पक्की नाली योजना की पूरी समीक्षा समरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आहूत की गई। 28 जनवरी को बारा बाजार स्थित बवैयालाल प्रधान घाट राम जानकी मंदिर में वैश्य सूरी समाज समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिथि आयगढ़ विधायक अमरनाथ गामी, मधुबनी के विधायक समीर महासेठ उपस्थित थे, जिनका स्वागत पाक चादर के साथ किया गया। वैश्य सूरी समाज समिति की दरभंगा के द्वारा जो पहले भी प्रशासन से मांग किया जाता रहा है, हमारे जो धरोहर हैं जैसे बवैयालाल प्रधान घाट, राम जानकी मंदिर ट्रस्ट, मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय, महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्वर्णलता लक्ष्मी नारायण खड़गा मध्य विद्यालय और बहरी के बिल्लट माथा महाविद्यालय, जो हमारे समाज का ऐसे सैकड़ों धरोहर है, जो ये तो गवर्नमेंट के अंदर में जो सरकार के अंदर में अधीन चली गई है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यास बोर्ड में चली गई है, कई महाविद्यालय प्रशासन के पास चली गई है, कई स्कूल प्रशासन के पास चली गई है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ उनके जिनके द्वारा वो संचालित हुई थी उनकी प्रतिमा लगाने की बात हो रही है। दूसरा बवैयालाल प्रधान घाट की जो अरबों रुपए की संपत्ति जिन
सोमवार को नागेंद्र स्टेडियम में एक दिवसीय मार्गदर्शन सह नियोजन मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, मेयर बैजंती देवी खेरिया के संयुक्त तत्वावधान में दीप प्रज्वलन कर मेला का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मेले में कुल 15 कंपनियां आई थी, जो बेरोजगार युवकों का बायोडाटा लेकर फॉर्म भरवा रही थी, जिससे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। रोजगार होते हुए भी रोजगार का न मिल पाना अपने आप में बड़ी विडंबना है। इस नियोजन मेले के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जहाँ की नियोजन अपनी आवश्यकताओं नियोजक अपनी आवश्यकताओं को बता पाएगा और नौयुवक आएंगे तो देखेंगे कि किस नियोजक की रिक्वायरमेंट पे हम फिट इन होते हैं, वहाँ उसको स्थान मिल सकता है। तो ये योजना बहुत ही सराहनीय है। मेरा मानना है शैक्षणिक संस्थान पर होने के नाते कि नियोजकों के बीच में और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच में एक लगातार संवाद होना चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर सोमवार को वर्ष 2017 में पास पीआरटी छात्र छात्राओं के द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन से धरना दिया गया। इन लोगों का कहना था शिक्षा शास्त्र में कुल 150 सीट है, लेकिन विभाग के द्वारा नामांकन नहीं लिया जा रहा। अगर नामांकन नहीं होता तो आगे हम लोग अनशन के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। शिक्षा शास्त्र विभाग में दिए पीआरटी परीक्षा पास हुए, उसके बाद हम लोग सभी छात्र काउंसिलिंग के लिए रीजन भाईवार भी दिए, उसमें भी पास हुए। जब परीक्षा पर प्रकाशित हुआ 10-18 व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 13 नेट क्वालिफाइंग 11 से मिला करके 21 पीआरटी में 5 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ, जिसमें एक जनरल, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के एचओडी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 6 सीट बताया, जो आज के भी डेटिंग वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है। बाद में 10 सीट, रिजल्ट के दिन 2 सीट, 18 सीट, जबकि शिक्षा शास्त्र विभाग में 150 से अधिक सीट आज के भी डेट में वैकेंट है। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के पाली गांव से रन प्रति मैदान में सोमवार को हैंडबॉल के प्रति लोगों में एक अलग ही किरण जलाने के उद्देश्य कार्तिक हैंडबॉल क्लब के सचिव रविंद्र कुमार सिंह एवं कोच आशीष कुमार ने जिला स्तर ही नहीं राज्य स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक के हैंडबॉल खिलाड़ी के बीच एक दोस्ताना मैच करवाया। साथ ही लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को, इस तरह के खेलों से जुड़ने का भी अपील की गई।